व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और इनफैक्ट स्पेशल है इन अ वे। दिस वीडियो इज़ फॉर दोज गाइज हु आर जस्ट स्टार्टिंग अप इन म्यूज़िक, और जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं म्यूज़िक में एज म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स, एज सिंगर्स, एज राइटर्स। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए। जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं म्यूज़िक में उनको अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि शुरुआत में यू कैन नॉट अरेंज रिसोर्सेज, और इतना कई बार आपके पास स्टूडियो में जाने के लिए एक स्टूडियो ऑप्शन ही नहीं होता है। एंड काफ़ी लोग मुझे मैसेज करके बताते हैं कि स्टूडियो हमारे यहाँ पे है भी नहीं कहीं, अराउंड जहाँ पे वो रहते हैं। और इनफैक्ट काफ़ी लोगों के पास कई बार माइक नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए, तो जो उन लोगों ने बेचारों ने जो लिखा होता है वो उनके पास ही रह जाता है। और अनफॉर्चुनेटली वो टैलेंट जो उनमें इतना भरा हुआ है, या वो जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपने टैलेंट को, वो नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज। सो मी एज अ क्रिएटर आई फील जो भी अगर आप में कुछ टैलेंट है, अगर आपको भगवान ने दिया है तो उसको ज़रूर करना चाहिए। और इन छोटी चीज़ों के लिए उस चीज़ को दबाना नहीं चाहिए, हमें करते रहना चाहिए। जो भी हमारे लिमिटेशंस हैं हमें कोशिश करना चाहिए उनको ओवरकम करके अपने जो हुनर को, अपने टैलेंट को आगे लाया जाए। तो मैं I'm all about that, so I wanted to make a video and help you guys with this. Now with that being said, I'm all about quality. मेरे लिए quality audio की बहुत ज़रूरी है और बहुत बड़ी चीज़ है। मैं किसी को recommend नहीं करता स्टूडियो के बगैर कहीं और रिकॉर्ड करने के लिए, या एक अच्छे माइक पे रिकॉर्ड करने के लिए हमेशा मैं बात करता हूँ। बट अब काफ़ी लोग वो चीज़ नहीं कर सकते, तो देयर हैज़ टू बी अ वे आउट, एंड आई विल शो यू अ वे आउट। आज हम रिकॉर्ड करेंगे वोकल्स एक मोबाइल फ़ोन पे, और देखेंगे किस तरह की क्वालिटी आती है। मुझे नहीं पता किस तरह का रिजल्ट आएगा, बट आई विल ट्राई टू गेट अ गुड क्वालिटी आउट ऑफ मोबाइल फ़ोन रिकॉर्डिंग। मैं यूज़ करूँगा OnePlus 6T, जो मेरा मोबाइल फ़ोन है, और ये वीडियो किसी मोबाइल फ़ोन कंपनी ने स्पॉन्सर नहीं की है। सो मैं ये खुद ही बना रहा हूँ आपके लिए, एंड जस्ट टू हेल्प यू गाइज। अब हम घर पे बैठे हैं और फ़ोन पे हमें रिकॉर्ड करना है, तो व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू डू। अब हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि रिकॉर्डिंग वहाँ करनी है जहाँ पे कोई शोर ना हो, जहाँ पे किसी तरह की भी डिस्टर्बेंस ना हो, रिफ्लेक्शंस ना हो, किसी तरह की भी एको ना हो, गूंज ना हो, आवाज़ गूंजे नहीं। और मेरे हिसाब से जो फर्स्ट थिंग जो मेरे माइंड में अभी आ रही है वो है आपकी अलमारी। अब हर घर में अलमारी तो होती है, आप अपनी अलमारी में रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और इनफैक्ट अलमारी में सबसे अच्छा इसीलिए रहेगा क्योंकि उसमें होते हैं बहुत सारे कपड़े। अब कपड़े जो होते हैं हमारे, वो एक्ट करते हैं एज साउंड अब्जॉर्बर्स। तो जो कपड़ा होता है बेसिकली वो साउंड को अब्जॉर्ब करता है बहुत अच्छे तरीके से। सो वो एक अच्छी ऑप्शन है। आप एक अलमारी में जाओ, अपनी अलमारी में, और वहाँ पे अपना फ़ोन रख के आप ऐसे पकड़ के आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो ध्यान रखो कि थोड़ा अपने फ़ोन का एंगल चेंज कर लो, बिकॉज़ अगर आप डायरेक्टली अपने माइक में बोलोगे या परफॉर्म करोगे तो जो हवा है आपके मुंह से आ रही, जो प साउंड और फ साउंड्स, जो आप जब आप बोलोगे वो वर्ड्स को, जो पी और एफ से शुरू हो रहे हैं, जो ये साउंड आएगी, तो वो हवा का जो जो फ्लो होगा वो कैप्चर हो जाएगा माइक पे, और वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, और वो पॉप्स और क्लिक्स बन जाते हैं बेसिकली। वो हमें नहीं चाहिए। सो हमें फ़ोन का एंगल थोड़ा टिल्ट कर लेना है। अब मैं अपनी अलमारी में रिकॉर्ड नहीं करने वाला आज, क्योंकि मेरी अलमारी बहुत ज़्यादा गंदी है और मैं इस टाइम उसको सेट करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। पहले ही बहुत ज़्यादा गर्मी है, आई एम जस्ट टू लेज़ी। सो मैं कुछ ट्राई करूँगा थोड़ा सा डिफरेंट। अलमारी में नहीं जा रहा हूँ, कहीं और लेके जा रहा हूँ। लेट्स गो। Let's go. So guys, welcome to my car. और जहाँ हम कहीं नहीं रहे हैं, गाना यहीं रिकॉर्ड करेंगे। सो गाड़ी में गाना रिकॉर्ड इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज गाड़ी के हम शीशे ऊपर करके एक साइलेंट इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और इस टाइम आई थिंक मेरे लिए सबसे ज़्यादा साइलेंट इन्वायरमेंट यही होगा, मेरी कार। और इनफैक्ट आप सबको जान के हैरानी होगी कि मेरी जो कार है मेरा सेकेंड स्टूडियो है। मैंने काफ़ी गाने अपनी कार में बैठ के मिक्स मास्टर किए हैं। सो जब मेरे पास अपना स्टूडियो नहीं था तो मैं गाड़ी में ही काम करता था। सो गाड़ी एक बहुत ही साइलेंट इन्वायरमेंट है, जैसे कि आप देख सकते हो, कोई साउंड नहीं आ रही दूर दूर से और कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अब रिकॉर्डिंग करने से पहले मैंने मेक श्योर कर लिया है कि मेरे शीशे सब चढ़े हुए हैं और गाड़ी स्टार्ट नहीं है, एसी ऑफ है। गर्मी लगेगी आई एम श्योर, बट इट्स ओके, कुछ सेकंड की बात है। काफ़ी लोगों के पास गाड़ी होगी या फ्रेंड के पास होगी, तो गाड़ी वाला ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हो, नहीं तो फिर अलमारी तो है ही। मेरे केस में आज हम गाड़ी में ट्राई करेंगे रिकॉर्डिंग करना। सो मैं अपना ट्रैक फटाफट से अपने फ़ोन में लोड कर लेता हूँ, और इसके लिए मैंने अपने ईयरफोन्स रेडी कर लिए हैं जो कि मैं प्लग इन कर रहा हूँ। और जो ट्रैक है मेरा प्ले होगा मेरे फ़ोन में। और मैं जस्ट रेगुलर फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऐप यूज़ कर रहा हूँ, कुछ स्पेशल नहीं है, कोई ऐसे अलग से ऐप नहीं है। हर एक फ़ोन में एक रिकॉर्डर ऐप होती है, सो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये है OnePlus 6T और इसका आई थिंक माइक डिसेंट है, सो लेट्स सी। सो ये मेरा रिकॉर्डर है और इसमें मैं रिकॉर्ड करूँगा अपनी वोकल्स को और बीट प्ले करूँगा। बाय द वे, जो गाना मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये एक रैप वर्स है जो मैंने एक गाने में किया था, अपने गाने में। मेरे चैनल पर ये गाना अवेलेबल है, आप सुन सकते हो। So for the sake of this video, I'm just doing this verse and let's see how it turns out. Okay, and अब हम record करेंगे। Yeah. जट नू कहंदे मशीन यारा, बदल दूं मैं सीन सारा, तेरे वाली ऑर्डिनरी मैं रखी करीम यारा, कादा हुस्न जिनेरी या अफीम यारा, लाइफस्टाइल मेरा किन्ने आदा ए ड्रीम यारा, अप डाउन गेम पैसा गड्डियां ते फेम, जिंदगी ली खुद नू मैं करूंगा ब्लेम, थोड़ा टाइम लगे या इन्ना दी समझ लई मैं गेम, चाहुंदे सी मेरे मोढेयां ते चढ़ना सो फकिंग लेम, इट्स अ शेम मैं लूज कीता थोड़ा गेन कीता काफी, हुण ना कोई पुछ ना किसे नू देनी माफी, कमान चो छड्डे आ तीर केड़ा फड़े, हुण कैंट जट मूरे लंडूआ चो केड़ा खड़े आ। What's up, Spikey? ओके गाइस, सो अब हम आ चुके हैं अपने रूम में वापस, और जो हमने अभी गाड़ी में रिकॉर्ड किए थे वोकल्स, उनको हम करेंगे थोड़ा सा प्रोसेस ताकि उनमें से हम निकाल पाएँ अच्छी क्वालिटी। अपनी बीट और मैंने वोकल्स जो हैं लोड कर लिए हैं। सो आप देख सकते हो मेरी वोकल फाइल जो थी .aac फॉर्मेट में रिकॉर्ड हुई, जो फ़ोन मेरा .aac फॉर्मेट में रिकॉर्ड करता है। अब आई डोंट नो दिस फॉर्मेट, बट एनीवेज। सो एक बार हम ऑडियो अकेला जो है सुन के प्ले करके देख लेते हैं। जट नू कहंदे मशीन यारा, बदल दूं मैं सीन सारा, तेरे वाली ऑर्डिनरी मैं रखी करीम यारा, कादा हुस्न जिनेरी या अफीम यारा, लाइफस्टाइल मेरा किन्ने आदा ए ड्रीम यारा, अप डाउन गेम पैसा गड्डियां ते फेम, जिंदगी ली खुद नू। तो आप सुन सकते हो क्वालिटी उस लेवल की नहीं है ऑब्वियसली, बिकॉज हमने फ़ोन से रिकॉर्ड किया है। मुझे लग रहा है हाइज़ काफ़ी ज़्यादा हैं और बेस बिल्कुल नहीं है आवाज़ में। फ़ोन के माइक में इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा आउटपुट एक्सपेक्टेड नहीं थी मुझे। इट्स ओके, हम इसमें से ही क्वालिटी निकालने की अब कोशिश करेंगे। सो देखते हैं हम कैसे इस चीज़ को करते हैं। सबसे पहली चीज़, मैं अपने वोकल्स को सुनता हूँ और उसमें से देखता हूँ कि क्या अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज़ हैं जो मुझे अपने वोकल में से हटानी है। अब गलती अक्सर लोग जब मिक्सिंग करते हैं तो उसमें ये करते हैं कि लोग चीज़ें बूस्ट करना शुरू कर देते हैं। बूस्ट कभी भी नहीं करना है, हमेशा हमें फ्रीक्वेंसीज़ कट करनी है, जो हमें फ्रीक्वेंसीज़ नहीं चाहिए, जो कानों को चुभ रही हैं, जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज़ हैं, जो गलत जो गंदी फ्रीक्वेंसीज़ हैं, उनको कट डाउन करना है EQ में। सो एक बार मैं सुन लेता हूँ और अपने इस पर मैं एक अप्लाई करूँगा EQ। मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रो क्यू EQ फैब फिल्टर की तरफ से। आप स्टॉक EQ भी यूज़ कर सकते हो, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, बट मैं EQ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज इसमें मैं जो फ्रीक्वेंसीज़ आइसोलेट करके, जो अकेली अकेली फ्रीक्वेंसी को मैं सुन के आइसोलेट करके उसको रिमूव कर सकता हूँ, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। बहुत ही अच्छा EQ है ये। सो सबसे पहले हम अपनी वोकल को क्लीन करते हैं, जो हमारी वोकल साउंड है। जट नू कहंदे मशीन यारा, बदल दूं मैं सीन सारा, तेरे वाली ऑर्डिनरी। अब मुझे लग रहा है वोकल थोड़े से बॉक्सी हैं, मतलब बॉक्सी साउंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं वो फ्रीक्वेंसी हाईलाइट करके उसको आइसोलेट करूँगा और फिर उसको कट करूँगा। सो ये मैंने पीक अपनी जो है EQ में क्रिएट कर लिया, और अब मैं आप देखना मैं किस तरह से इसको आइसोलेट करके उसको कट करता हूँ। अब ये फ्रीक्वेंसी काफ़ी कानों को चुभ रही थी, तो मैं इसको करीब 2 dB तक इसको कट कर देता हूँ। अब एक बार फिर से सुनूंगा। इसी के साथ मैं एक लो कट भी फ़िल्टर लगाऊंगा इस पर, ताकि अगर कुछ लो होगा भी, वैसे तो इसमें नहीं है बिकॉज इतना माइक अच्छा नहीं था, उसने लोज कैप्चर ही नहीं किए, बट फिर भी मैं एक लो कट फ़िल्टर अक्सर लगा देता हूँ, सो दैट अगर हो इन एनी केस फ्रीक्वेंसीज़ हमें नहीं चाहिए, जो लो फ्रीक्वेंसीज़ है वोकल में। जट नू कहंदे मशीन यारा, बदल दूं मैं सीन सारा, तेरे वाली ऑर्डिनरी मैं रखी करीम यारा, कादा हुस्न जिनेरी या अफीम यारा, लाइफस्टाइल मेरा किन्ने आदा ए ड्रीम यारा, अप डाउन गेम पैसा गड्डियां ते फेम, जिंदगी ली खुद नू मैं करूंगा ब्लेम, थोड़ा टाइम लगे या इन्ना दी समझ लई मैं गेम, चाहुंदे सी मेरे मोढेयां ते चढ़ना सो फकिंग लेम, इट्स अ शेम मैं लूज कीता थोड़ा गेन कीता काफी, हुण ना कोई पुछ ना तेनू देनी माफी, कमान चो छड्डे आ तीर केड़ा फड़े, हुण कैंड जट मोरे लंडूआ तो केड़ा। थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी ये करीब 397 भी आई थिंक फ्रीक्वेंसी सही नहीं है, इसको भी हम कट कर देते हैं। जट नू कहंदे मशीन यारा बदल दूं मैं सीन सारा। सो आप देख सकते हो काफ़ी हद तक वोकल हमने क्लीन कर लिया है। अब इस पर जितना ज़्यादा टाइम मैं स्पेंड करूँगा इसको और ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ, बट अभी टाइम कम है वीडियो के लिए। सो फटाफट जितना मैंने किया है जस्ट आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप EQ से यू नो अपनी जो ऑडियो है इसको क्लीन कर सकते हो। ऑब्वियसली मिक्सिंग एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, एक वीडियो में नहीं बता सकता, बट आप थोड़ा सा समझ गए होगे कि बेसिकली EQ से आप जो है अपनी फ्रीक्वेंसीज़ को आइसोलेट करके रिमूव कर सकते हो, जो नहीं चाहिए, और जो चाहिए उसको बूस्ट कर सकते हो। सो हमने वही चीज़ देखी। जट नू कहंदे मशीन यारा बदल दूं मैं सीन सारा तेरे वाली। और अब अगर मैं आपको बाईपास करके अपना प्लगइन सुनाऊं, ऑडियो जो पहले था और जो अब हो गया है, तो उसमें बहुत डिफरेंस होगा, आप सुन सकते हो। जट नू कहंदे मशीन यारा बदल दूं मैं सीन सारा तेरे वाली ऑर्डिनरी मैं रखी करीम यारा कादा हुस्न जिनेरी या अफीम यारा लाइफस्टाइल मेरा किन्ने आदा। तो वोकल थोड़ा सा बाहर निकल के आ गया है। सो ये EQ सेटिंग हम रखते हैं अभी फ़िलहाल वोकल के लिए। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा इसमें मैं टाइम स्पेंड करूँगा वोकल उतनी ज़्यादा और बेटर हो जाएगी, बट इट्स ओके। अभी फटाफट से हम इस पर एक कंप्रेसर डाल देते हैं, और कंप्रेसर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं ऑब्वियसली स्टॉक प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ लॉजिक में जो अवेलेबल है। इस पर मैंने ऑलरेडी एक सेटिंग लोड कर ली है टाइम सेव करने के लिए। जट नू कहंदे मशीन यारा बदल दूं मैं सीन सारा तेरे वाली ऑर्डिनरी मैं। थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ इसमें मैं क्या कर रहा हूँ। 4:1 की रेशियो लगाई है, जो कि मैं स्टैंडर्ड स्टार्ट इसी से करता हूँ, बाकी डिपेंड करता है हर एक ऑडियो सिग्नल पे। करीब 20 ms का अटैक टाइम है, और करीब 80 या 75-80 का जो है हमारा रिलीज़ है। सो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें टेक्निकल, बट हाँ मैं थोड़ा सा अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो फटाफट जो मैंने सेटिंग लगा सकता था मैंने लगा के एक बेसिक सा कंप्रेशन अप्लाई कर दिया है। जट नू कहंदे मशीन यारा बदल दूं मैं सीन सारा तेरे वाली ऑर्डिनरी मैं रखी करीम यारा कादा हुस्न जिनेरी या अफीम यारा लाइफस्टाइल मेरा किन्ने आदा। सो आई थिंक दिस इज साउंडिंग गुड। अब इसको एक बार बीट के साथ सुन लेते हैं। जट नू कहंदे मशीन यारा बदल दूं मैं सीन सारा तेरे वाली ऑर्डिनरी मैं रखी करीम यारा कादा हुस्न जिनेरी या अफीम यारा लाइफस्टाइल मेरा किन्ने आदा ए ड्रीम यारा। अप डाउन गेम पैसा गड्डियां ते फेम जिंदगी नी खुद नू मैं करूंगा ब्लेम। थोड़ा टाइम लगेया इन्ना दी समझ लई मैं गेम चाहुंदे सी मेरे मोढियां ते चढ़ना सो फकिंग लेम इट्स अ शेम। मैं लूज कीता थोड़ा गेम कीता काफी हुण ना कोई कुछ पुछ ना किसे नू देनी माफी। कमान च छड्डेया तीर केड़ा फड़े हुण जट मोरे लंडूआ चौकेड़ा खड़े। अब जितना ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड किया जाएगा उतना ज़्यादा ही बेटर हो जाएगा ऑब्वियसली। सो आपने देखा कि मोबाइल से रिकॉर्ड करके भी सुनने लायक आई मीन डिसेंट क्वालिटी फिर भी आ गई है। एटलीस्ट अगर आप बिगिनर हो, आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो फ़ोन से भी रिकॉर्ड करके आप एक अच्छी क्वालिटी निकाल सकते हो। अब ये प्रोसेस सारा मैंने लॉजिक प्रो इस सॉफ्टवेयर पे किया, आप FL पे भी कर सकते हो, कुछ डिफरेंस नहीं है, सारे सॉफ्टवेयर एक जैसे हैं। सो आपने देखा बहुत ही ईजी प्रोसेस था। हमने फ़ोन में एक रैप रिकॉर्ड किया और उसको हमने सॉफ्टवेयर में डाला, थोड़ा सा उस पर प्रोसेसिंग अप्लाई की, मसाला लगाया थोड़ा सा, और सुनने लायक वो चीज़ हो गई। किसी चीज़ के लिए मत रुको कि यार मुझे यू नो स्टूडियो जाने के लिए पैसे नहीं है, या मेरे पास माइक नहीं है, या मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, या मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे। इट्स ओके, आप कर सकते हो। अगर आपके पास जस्ट एक मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन तो हर एक के पास है आजकल, तो ज़रूर अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और इस चीज़ को आप यू नो आगे अपने जो टैलेंट को, अपने गानों को आगे ला सकते हो और दुनिया को दिखा सकते हो। सो प्लीज़ करो। तो मुझे ज़रूर बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो फ़ोन पे, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर दबा दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे, मेरे साथ जुड़ोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होगा, और आने वाली वीडियोज़ की आपको अपडेट भी मिल जाएगी जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। और इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पसंद आया ये वीडियो और ये आपको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। All the best with your recordings, guys. I'll see you in the next video. Bye-bye.